तो फ्रेंड आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। यानी कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, वो तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। काफी कम पॉइंट्स है, तीन ही पॉइंट में चीजों को डिस्क्राइब कर दिया गया है। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बना लेना है। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि दिस मेथड कॉपीज द ओरिजिनल वैल्यू इनटू द फंक्शन एज आर्गुमेंट। यानी ये मेथड क्या करता है, कॉपी करता है ओरिजिनल वैल्यू को उस फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, तो दिस मेथड कॉपी द एड्रेस ऑफ आर्गुमेंट इनटू द फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। यानी ये जो मेथड होता है वो कॉपी करता है एड्रेस ऑफ आर्गुमेंट को, ये कॉपी करता है ओरिजिनल वैल्यू को इनटू द फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। अगला पॉइंट कह रहा है कि चेंजेस द मेड टू द पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन हैव नो इफेक्ट ऑन द आर्गुमेंट। यानी जब हम चेंज करेंगे फंक्शंस को तो जो आर्गुमेंट होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कॉल बाय रेफरेंस में हम चेंज करेंगे तो जो एक्चुअल वैल्यूज होंगे उस पर जो है वो इफेक्ट करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वो पॉइंट लिखा गया है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि एक्चुअल एंड द फॉर्मल आर्गुमेंट्स विल बी क्रिएटेड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। यानी कॉल बाय वैल्यू के अंदर जो एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट्स होते हैं उनको हम क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग मेमोरी लोकेशन के लिए। उसके बाद आपका कॉल बाय रेफरेंस, तो इसमें थर्ड पॉइंट कह रहा है कि एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स विल बी क्रिएटेड इन सेम मेमोरी लोकेशन। यानी एक्चुअल और फॉर्मल जो आर्गुमेंट्स होंगे वो क्रिएट होंगे एक सेम मेमोरी लोकेशन के अंदर। तो इस तरीके से हमने कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है, और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, सारी चीजों को लिखते जाइएगा ताकि आपका जो नोट्स है वो बनता रहेगा। मिलते हैं सिंटेक्स मॉडल साथ, तब तक के लिए थैंक यू।